भैया पाकिस्तान से मैच जीत जाना, वर्ल्ड कप जीतो ना जीतो। इंडिया में हर एक क्रिकेट फैन जब अपने फेवरेट खिलाड़ी से मिलता है जो वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं या वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा है, तो उनसे सिर्फ यही कहता है कि सुनो भैया, हाथ जोड़ रहे हैं, पाकिस्तान से जीत जाना, बाकी वर्ल्ड कप आगे दिखा जाएगा। और जैसे ही इंडिया पाकिस्तान से जीत जाती है, हम कहते हैं भैया हमारा आधा वर्ल्ड कप आ गया। मतलब पहली लड़ाई ये है, इसके बाद वर्ल्ड कप वाली। और अगर वर्ल्ड कप वाली लड़ाई के बीच में भी आप हार गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये बिल्कुल सच बात है। गौतम गंभीर भी कह रहे थे कि यार टेक्निकली सबको वर्ल्ड कप के लिए कहना चाहिए, लेकिन इंडिया में इतना प्रेशर बनता है और इस बार भी बन रहा है। 14 तारीख को इंडिया पाकिस्तान आमने सामने रहने वाले हैं, लेकिन इस बार हम जीतेंगे। दो बार T20 में हम हार रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन हमारे सारे बॉक्सेस अब टिक 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 हैं। और 5 वजह जिस वजह से इंडिया पाकिस्तान को हराएगी इस बार, तो सबसे पहली वजह तो ये है गुरु कि हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो जबरदस्त फॉर्म में है और पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर का अता पता नहीं है। हाँ, मतलब हमारे यहां रोहित शर्मा ने लास्ट मैच में जो मार मारी है उसके आगे बड़े से बड़े गेंदबाज जो हैं वो डर रहे हैं। हालांकि शाहीन जाफरीदी ने कह दिया है कि इस बार वो 5 विकेट निकालेंगे, और रोहित भी जानते हैं कि शाहीन उन्हें वो अंदर आती गेंद देंगे जो बाहर टप्पा खाएगी ऑफ स्टंप के आसपास, फिर मिडिल स्टंप पर आएगी, और उससे उन्हें बचना है। अगर इससे रोहित बच गए तो पाकिस्तान का धागा खुल जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान की जो सुताई होगी उससे हम मैच जीत जाएंगे। तो ओपनिंग हमारा बहुत स्ट्रांग है और ये हमारे साथ बेस्ट है। हालांकि पाकिस्तान के साथ ही एशिया कप से पहले अच्छा था, पाकिस्तान के टॉप 3 इंडिया के सामने ज्यादा डोमिनेंट थे। एशिया कप से पहले पाकिस्तान के टॉप 3 टॉप 10 टॉप 5 में आते थे। फखर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम, ये वर्ल्ड के टॉप 5 बैट्समैन में थे, लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। अब इंडिया जो है वो अलग लेवल पे है। बाबर आजम नेपाल के अलावा कहीं मार नहीं पाए, रन फ्लॉप गए हैं। 2 एशिया कप में और T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के सामने रन नहीं बने, सो इस वर्ल्ड कप में भी 10 और 5 बनाए हैं। सो हमारी टीम ज्यादा पावरफुल लग रही है, और 2023 में अगर आप स्टार्ट भी देखोगे तो वहां हम ज्यादा मजबूत हैं। शुभमन गिल 20 मैच 1230 रन, रोहित 770 रन थे, शतक मारा। तो ओवरऑल वी आर अ बेटर टीम देन पाकिस्तान, अगर आप ओपनिंग स्लॉट की बात करते हैं। और विराट को तो हम सब जानते हैं कि वो कितने विराट है। पाकिस्तान में अब्दुल्ला शफीक आए हैं, पहला मैच था, रन बनाए, बहुत क्वालिटी बैटिंग करी, लेकिन एक मैच था। हमारे वाले ज्यादा स्टेबल हैं और बुमराह भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। सो आई थिंक फर्स्ट इंडिया ज्यादा मजबूत है ओपनिंग लॉट में, इसलिए हम जीतेंगे। सेकेंड, हमारे जो तेज गेंदबाज हैं वो ज्यादा विकेट निकाल रहे हैं पावर प्ले में पाकिस्तानी गेंदबाजों के मुकाबले। पाकिस्तानी गेंदबाज शाहीन शाफरीदी हों या हारिस रौफ हों, उनके विकेट नहीं आ रहे हैं। मतलब 2019 से अगर आप बात करोगे पावर प्ले में, तो शाहीन शाफरीदी ने 39 मैच में 29 विकेट निकाले हैं, जबकि हमारे सिराज ने 31 मैचों में 32 विकेट पावर प्ले में निकाले। सो आई थिंक यहां पर अच्छा है। ऑल्सो बुमराह की जो रिसेंट फॉर्म रही है वो शाहीन से बेहतर है। हारिस पिट रहे हैं, शाहीन का थोड़ा सा मुझे डर है, शाहीन एक क्वालिटी बॉलर है, लेकिन लेट्स जस्ट सी, मतलब हमें लगता है हम बेहतर है। थर्ड, हमारा मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर से ज्यादा अच्छा है। हमारे पास मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर है, शतक मारा एशिया कप में, हमारे पास केएल राहुल है, हारा हुआ मैच जिताया है, हमारे पास हार्दिक पांड्या है जो टफ मैचेस में रन बनाता है, और पाकिस्तान के खिलाफ तो खासतौर पर रन बनाता है। पाकिस्तान के खिलाफ मिडिल ऑर्डर में सिर्फ रिजवान है जिससे हमें डरना चाहिए। मोहम्मद रिजवान बड़े प्लेयर है और उनसे डरना चाहिए, बाकी कोई ऐसा उनके पास मिडिल ऑर्डर नहीं है जो बहुत स्ट्रांग रहा है। ऑल्सो हमारा बॉलिंग का मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर से बहुत ज्यादा बेहतर है। मतलब हमारे पास जो गेंदबाज हैं कुलदीप, रविंद्र जडेजा या शार्दुल, शमी, अश्विन, वो पाकिस्तान के मिडिल ओवर के बॉलर से ज्यादा बेहतर है। मतलब शाहीन शुरू में मैंने कहा था खतरा है, लेकिन मिड ओवर में शाहीन खतरा नहीं है। मिड ओवर में जो उनके गेंदबाज हैं, नवाज हुए, शदाब हुए, या फॉर एग्जांपल हारिस रौफ हुए, या जो भी गेंदबाज हैं, वो उतने इंपैक्टफुल नहीं नजर आए हैं बीते कुछ समय में जितना हम नजर आए। सो ये भी एक फैक्टर हो सकता है अगर इंडिया मैच जीते। बाकी क्रिकेट में तो कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं का क्रिकेट खेल है, हम जीत सकते हैं, वो जीत सकते हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम यहां पर जीतेंगे, क्योंकि शदाब खान, नवाज के आउट ऑफ फॉर्म होना और पाकिस्तान का स्पेशलिस्ट गेंदबाजों के साथ ना उतरना, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे स्पिन क्वालिटी उनके स्पिन से ज्यादा बेहतर है, क्वालिटी के वाइज भी, विकेट वाइज भी। एक और चीज जो हमारे पक्ष में आती है वो है फील्डिंग। मतलब इंडिया पाकिस्तान फील्डिंग के मामले में जमीन आसमान का अंतर है। वर्ल्ड कप के 2 मैच में अब तक इंडिया पाकिस्तान दोनों ने 11-11 कैचेस पकड़े हैं, लेकिन कैच पकड़ने की सक्सेस रेट जो है पाकिस्तान की केवल 60% है, जबकि हम 80s में आते हैं।
हमारे फील्डर्स जो हैं वो ज्यादा अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, विराट कोहली हुए, हार्दिक पांड्या हुए, इनफैक्ट रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, इवन कुलदीप ने अच्छे कैचेस पकड़े थे। पाकिस्तान में शादाब के अलावा कोई ऐसा फील्डर नजर नहीं आता जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डर हो। मतलब पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में 4 कैच ड्रॉप किए हैं, 3 रनआउट मिस किए, हमने सिर्फ 1 रनआउट मिस किया है। सो ये भी एक फर्क हमारे उनमें बहुत ज्यादा नजर आता है हम दोनों में। ओवरऑल एज अ टीम हम ज्यादा इंटैक्ट यूनिट हैं, उनकी टीम फ्लक्चुएट कर रही है, चेंज हो रही है। सो आई थिंक ऑल्सो वर्ल्ड कप में हम उनसे 7 मरतबा जीत चुके हैं, तो ओडीआई वर्ल्ड कप में हमारा रिकॉर्ड उनसे बेहतर है। आई थिंक ये सारे फैक्टर्स जो हमारे फेवर में जा रहे हैं। सो आई बिलीव कि इंडिया पाकिस्तान को डोमिनेट करेगी, इंडिया जीतेगी। एंड ऑल्सो सबसे बड़ा फैक्टर है कि शुभमन गिल हमारे वापस लौट रहे हैं, ऐसे में हमारी डोमिनेंस पाकिस्तान पर कहीं ज्यादा है। ये मेरे हिसाब से फैक्टर्स हैं। बाकी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, मैं कोट कर दूं नहीं तो आप लोग बाद में कहेंगे किसी दिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब 1,00,000 क्राउड चिल्लाएगा इंडिया इंडिया इंडिया, और जिस तरह से इंडिया ने शुरुआत की, जो डोमिनेंस दिखाया है रोहित ने, शुभमन ने, बाकी सबने, आई थिंक हम जीतने वाले हैं एक अच्छी